नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। 2019 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब राजनीति भी कुछ अलग तरीके की हो रही है। राजनीति अब दरगाह वाली हो रही है और अब चादरें चढ़ाई जा रही हैं दरगाहों पर। सबसे पहले शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब शिवपाल सिंह यादव, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर भेजी। सोनिया गांधी भी अपनी चादर भेजती हैं अजमेर। तो आखिर ये चादर जो भेजी जाती है, इसका राजनीति से क्या ताल्लुक है? आखिर क्यों अजमेर दरगाह पर, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई और दीगर पार्टी हो, सभी राजनीतिक पार्टियां अजमेर अपनी चादर पेश करती हैं, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? थोड़ा सा समझना होगा कि अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहां पर अभी 807वां उर्स मनाया जा रहा है। उर्स मतलब जहां हर साल जो उनकी पैदाइश का दिन होता है उसको मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है और वो दरगाह का प्रबंधन करता है। ऐसे में एक बड़ा रोल अदा करती हैं राजनीतिक पार्टियां। अब आप सोचते होंगे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों चादर भेजते हैं अजमेर की दरगाह पर? सोनिया गांधी भी चादर भेजती हैं, राहुल गांधी जब राजस्थान में चुनाव हो रहे थे तो अजमेर दरगाह गए थे, शिवपाल सिंह यादव की भी चादर जाती है और अखिलेश यादव भी चादर भेजते हैं, पाकिस्तान से जायरीन आते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं तो अजमेर की दरगाह पर जाते हैं। अब 2019 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। असल में मुसलमानों में दो तबके होते हैं, एक तबका होता है सुन्नी मुसलमान और एक तबका होता है बरेलवी मुसलमान। तो ये बरेलवी मुसलमानों पर अपना पैट बनाने की जो कोशिश करते हैं राजनेता, वो जानते हैं कि बरेलवी मुसलमान इन दरगाहों से जुड़ा होता है और बरेलवी मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। अमूमन मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। बरेली की दरगाह में, बरेली में एक दरगाह है आला हजरत की। आला हजरत पर शीला दीक्षित की चादर जाती है और शीला दीक्षित अमूमन वहाँ जाती हैं। कांग्रेस पार्टी के हों, बीजेपी के हों, सारे नेता उस दरगाह पर जाते हैं, खास करके जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो वहाँ पर ज़रूर जाया जाता है। तो ये राजनीति का एक उसूल बन गया है कि जब जब चुनाव आ जाएँ तो आप दरगाहों पर जाना शुरू कर दीजिए, मंदिरों में जाना शुरू कर दीजिए और मस्जिदों में जाना शुरू कर दीजिए। अब फिलहाल अजमेर में 807वां उर्स चल रहा है, वहाँ पूरी दुनिया से जायरीन पहुँच रहे हैं, तो अब देश की राजनीतिक पार्टियाँ आखिर पीछे कैसे रह सकती हैं? अब थोड़ा सा समझना होगा कि बरेलवी मुसलमानों का राजनीति से ताल्लुक क्या है। अभी पिछले दिनों एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था, जिसमें बरेलवी जो मुसलमान हैं, जो बरेलवी जो चिश्ती सिलसिले के मानने वाले हैं, जो उनको लोगों को फॉलो करते हैं, चिश्ती सिलसिला जिस कहते हैं, चार जो है वो स्कूल ऑफ थॉट जिसको बोलते हैं इस्लाम में है, चिश्ती सिलसिला जो बोलते हैं उसको, सूफी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसी को जो फॉलो करते हैं उसको बरेलवी मुसलमान कहते हैं। अब ये बरेलवी मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की राजनीतिक पार्टियों की एक आज से नहीं बल्कि आज़ादी से चला आ रहा है कि किस तरीके से इनका वोट अपने पाले में किया जाए। वहीं थोड़ा सा अगर हम बात करें सुन्नी वहाबी जो मुस्लिम होते हैं, वो थोड़ा सा कट्टर मुसलमान कहे जाते हैं, उनका वोट हासिल करने के लिए थोड़ा सा राजनेताओं को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि वो आसानी से नहीं टूटते हैं कि भाई वो किस पार्टी की तरफ अपना रुख करेंगे, किस पार्टी को अपना वोट देंगे। हालांकि एक बहुत बड़ा उनका तबका है, लेकिन वो आसानी से नहीं जाते हैं कि किस पार्टी को अपना वोट देंगे। लेकिन बरेलवी मुसलमान हमेशा खुलकर रहते हैं। हमेशा से हमने देखा है कि जब अजमेर दरगाह के जो हैं, जो गद्दी नशीन है, जिनको सज्जादा नशीन कहा जाता है, उनकी राजनीति में काफ़ी दखल अंदाजी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वह अमूमन मुलाकात करते रहते हैं और बड़े राजनेताओं से उनकी मुलाकात रहती हैं, और अजमेर की दरगाह पर चाहे वो बॉलीवुड के सितारे हों या फिर कोई राजनीति से जुड़े, वहाँ पर अपना माथा टेकने ज़रूर जाते हैं। तो वो जानते हैं कि राजनीति और दरगाहों का कनेक्शन आज का नहीं है, बहुत पुराना है। अब जाहिर सी बात है, एक बड़े सूफी संत की दरगाह है अजमेर में, तो इस तरीके की अब वहाँ पर उर्स चल रहा है, तो अपने अपने राजनेता अपने जो है वहाँ प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम राजनीति में किस तरीके से अपने आप को आपके करीब ला के खड़ा कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने चादर पेश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अब ज़रा वहाँ से राजनीति शुरू होती है। जब मुख्तार अब्बास नकवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर लेकर अजमेर पहुँचते हैं, तो वो एक बयान देते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जो है सेकुलर उसकी बात करते हैं, और देखिए किस तरीके से एक बेहतरीन जो है वो माहौल के बीच में मैं चादर लेकर आया हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पैगाम लेकर आया हूँ।
वहीं अब हम बात करते हैं शिवपाल सिंह यादव की, वो भी अभी चादर भेज रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है बड़ा पुराना चलता आ रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस बहाने में भी प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री की तरफ से चादर पेश होती थी। तो ये जो राजनीति का पूरा असर है, देखिए इसका पूरा सादा सबसे ज़्यादा नज़र आता है जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं वहाँ पर दरगाहों का काफ़ी मानने वाले, उसमें आस्था रखने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो दरगाहों को, मज़ारों को मानने वाले ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो राजनीति से हालांकि उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो काफ़ी वोटर के रूप में उनको राजनीतिक पार्टियां उनको देखती हैं, और शायद यही वजह है कि लोकसभा के चुनाव से पहले वो अपने पाले में उनको लेना चाहते हैं। अब आप अगर इधर की तरफ जाएंगे, बरेली की तरफ, यूपी की अगर हम बात करेंगे, या फिर पूर्वांचल के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़े लखनऊ से आगे आप पहुँचेंगे बाराबंकी में, वहाँ पर भी एक बड़ी दरगाह है। वहाँ की जो यूपी में सरकार होती है या जो विपक्ष में होती है वो भी उस दरगाह से जुड़े रहते हैं, उनके खादिम लोग जो हैं वो सरकार से जुड़े रहते हैं या विपक्ष के नेताओं से जुड़े रहते हैं। तो ये जो पूरा जो कनेक्शन है, ये पूरा तौर पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ अपने आप को वोट हासिल कर लेने का है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सिर्फ चादर पेश कर देने से या जो बरेलवी मुसलमान हैं या उस चीज़ को जो फॉलो करते हैं, क्या उनके मसले हल हो जाएंगे? आज भी हमने देखा है कि निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो उनके भी लोगों का काफ़ी दखल अंदाजी रहती है राजनीति में। अभी वहाँ के एक बड़े गद्दी नशीन हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, खुद मनीष सिसोदिया ने उनको पार्टी ज्वाइन किया, तो एक राजनीति से बड़ा ताल्लुकात हो जाते हैं इन लोगों के। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्या कुछ लोग जो है वो राजनीति का सहारा लेते हैं? लेकिन सवाल ये उठता है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानते हैं, उनके कितने मसले हल होते हैं, कितने उनके हम बात करें कितने सामाजिक मामले हल होते हैं, कितनी दिक्कतों का वो सामना करते हैं, कितनी परेशानियों का सामना करते हैं, शायद इस चीज़ को नहीं जानते होंगे। अगर आप बात करेंगे ऐसे बहुत से बरेलवी मुसलमान जो हैं, उनकी मसले एक नहीं बल्कि हज़ार हैं। कौन से ऐसे एक नेता आप जानते होंगे, कौन से एक ऐसे जानते होंगे जिसको कि जिसने कोई एक बहुत बड़ा स्कूल कॉलेज बनवाया हो, कोई विश्वविद्यालय बनवाया गया हो, कोई एक शिक्षा के जोर दिया गया हो, स्वास्थ्य के ऊपर जोर दिया गया हो, लेकिन राजनेता इन सब बातों पर जोर नहीं देते, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। चुनावी दौर है तो ये सिलसिला अब चलता रहेगा। अमूना आपको अब राहुल गांधी भी जब उत्तर प्रदेश जाएंगे तो वो नज़र आएंगे, खूब दरगाहों पे मंदिरों में चक्कर लगाते हुए नज़र आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुरुआत कर दी है, अब और दूसरे राजनेता भी ये सब करते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ को समझना होगा कि अगर आप किसी तबके का या किसी एक समुदाय का आप वोट लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उनकी परेशानियों पर, उनकी दिक्कतों पर बात करनी पड़ेगी, आपको उनके मसलों का हल निकालना पड़ेगा कि आखिर उनके समाज में अगर कुछ दिक्कतें हैं तो वो हल कौन निकालेगा? सरकारें निकालेंगी, और जाहिर सी बात है कि अगर सरकार नहीं निकालेगी तो फिर कौन निकालेगा मसले का? अब थोड़ा सा आंकड़ों पे हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो बरेलवी मुसलमान, अगर मैं असल में बार बार बरेलवी मुसलमान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी हो या मोदी सरकार हो, उनका हमेशा से एक रहा है बरेलवी मुसलमानों का झुकाव थोड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ रहा है। जो वहाबी मुसलमान हैं उनका थोड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी रही है। तो बरेलवी मुसलमानों का जो जो मानने वाले हैं, जो बरेलवी स्कूल को फॉलो करते हैं, उनका प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहने की भी अपनी एक अलग वजह है, एक अलग बात मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये हो रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से एक चुंबक के दिए आ जाते हैं करीब सारे राजनेता और इन सब लोगों के वोट हासिल करने लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि राजनीति पूरी तरह से इस वक्त उत्तर प्रदेश की हो या फिर दीगर और राज्यों में, पूरी तरह से अब मंदिर, मस्जिद और दरगाहों की अब राजनीति होगी। अब चादरें जा रही हैं, बड़े सलाम भेजे जा रहे हैं, पीएम मोदी भी अपना सलाम भेज रहे हैं, तो अब लग रहा है कि अब चुनावी दौर शुरू हो चुका है। लेकिन हमारा सवाल जो कल भी था वो आज भी जस का तस है कि सिर्फ वोट लेने भर से, सिर्फ चादर पेश कर देने से, या फिर सिर्फ अपना सलाम या अपनी दुआएं भेज देने से क्या मसलों का हल होगा? क्या उनकी परेशानियां दूर होंगी? क्या जो आज वो समाज जो उन कुरीतियों से दो चार हो रहा है, उन परेशानियों से सामना कर रहा है, आखिर उनकी मसलों का हल कब निकलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। अब फिलहाल चादरें जा रही हैं, उर्स चल रहा है अजमेर में, तो अब जाहिर सी बात है कि राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकेंगे। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SBI News। नमस्कार।